जोहार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगला दिन था हम लोग का शूटिंग और पूरा मस्ती के साथ उस दिन शूटिंग भी किया अगला दिन। और अभी सुबह हो चुका है और अभी हम लोग फ्रेश व्रेश हो गए हैं और अभी इतना सुबह सुबह खुशबू नहा धो के रेडी हो गई और देसी झूला झूल रही, क्या कि रात में ना पनीर झलक तो ज्यादा खा ली थी तो उसे भी एक्सरसाइज कर रही। देसी झूला में देखिए, घर में झूला लगा हुआ है तो वहीं पे झूल रही है। और अभी कुछ टाइम में फिर इसको छोड़ने जाना, चूंकि इसको अपना घर भी जाना, चूंकि इसका घर थोड़ा सा दूर है, इसको यहाँ छोड़ देंगे, बस पे बैठा देंगे, उसके बाद फिर अपना घर चले जाएगी। तो चलिए गाइस, आज ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट किए हैं और आज पूरा का दिनचर्या दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहे, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, चूँकि जो सॉन्ग आने वाला हम लोग को इसी चैनल पर आएगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। झूल कदम के फूल नानी घर बड़का गांव। तो हाय गाइस, बता दे, झूला झूल रहे हैं, बहुत मजा आता है झूला झूलने में। अरे भी देखिए कहाँ बांधा हुआ है इसे। बचपन से ही झूला में बहुत आनंद आता है, क्या कि जब नानी घर जाते थे मेरे नाना जी झूला लगा देते थे, झूलते रहते थे, इसलिए आजकल जहाँ भी झूला देखते हैं वहाँ पहले झूल लेते हैं। सो गाइस, जिसे देखकर मुझे भी एक बचपना याद आया कि हम लोग ना जब छोटा छोटा रहते थे ना, तो हम लोग माचा का खुट्टा में जो होता है ना ऊपर, तो माचा में हम लोग इस तरह करके झूला लगाते थे, जो मतलब कि जानवर को जिससे बांधा जाता है, जिसे जुरांडी बोलते हैं, तो उसी को हम लोग माचा में लगा करके और उस टाइम झूलते थे, बहुत ही मज़ा आता था। बट अब ना माचा है ना जानवर है किसी के यहाँ, तो मज़ा ही नहीं आता है। अभी बचपना देख कर याद आ गया कि हम लोग भी इस तरह का हरकत करते थे छोटा में जब रहते थे। तो सो गाइस, अब यहाँ से खुशबू निकल चुकी है और उसको बस बैठा कर और हम भी निकल चुके हैं घर की ओर और कुछ काम वगैरह करके, उसके बाद फिर आज से हो सकता है पंकज एडिटिंग काम चालू करेगा। जो सॉन्ग का एडिटिंग करना वो पंकज करता है, तो फिर वहाँ पर भी दिखाएंगे हम कि किस तरीके से हमारा गाना को एडिट होता है। सो गाइस, फाइनली हम लोग जा रहे हैं स्टूडियो, दिव्यश भैया का स्टूडियो, एडिटिंग का काम करना है, चूँकि वहाँ से आ चुके थे, घर का सारा काम भी कर ली थोड़ा बहुत। और अब जाते हैं और दिखाते हैं आपको कि कहाँ पर हम लोग गाना का एडिट करते हैं, कौन एडिट करता है, कहाँ पे स्टूडियो हम लोग का। तो चलिए, इस ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्टूडियो में जहाँ पे मेरा गाना का एडिटिंग होता है। अभी खुद का स्टूडियो हम लोग पास नहीं है, तो जो रिकॉर्डिंग करते हैं दीपेश भैया, उन्हीं का स्टूडियो में भी हम लोग आए हैं। और एडिटर साहब अभी एडिट करते करते थक चुके थे, थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं। और इधर नरेंद्र और इधर मेरा मितवा, इसका भी नाम रंजीत है। और अभी दिखाते हैं कि कितना दूर तक मेरा गाना का एडिट हो चुका है। तो ये देखिए, यही सिस्टम है जहाँ पे एडिट हो रहा है और आधा से बेसी हो चुका है। अभी थोड़ा सा हम चला के आप लोग को दिखाते हैं कि गाना कैसा, आप लोग जरूर बताना। ये फर्स्ट सीन है, बहुत ही मस्त तरीके से हम लोगों ने शूटिंग किया है, देख सकते हो बस। और ये रहा स्टूडियो का लुक। तो गाइस, बहुत जल्द गाना आने वाला है, इसी चैनल में आएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन करके रखना। हम अगला वीडियो में अपडेट, अगला जो ब्लॉग आएगा मेरा, उसमें हम बता देंगे कि गाना कब रिलीज होगा। अभी 2-3 दिन लगेगा हो सकता है, बट बहुत जल्द आने का हम कोशिश करेंगे। उसके बाद ढेर सारा हम लोग होली का भी वीडियो शूट करना है, बहुत ज़्यादा धमाल मचाना है। तो इस गाना के ढेर सारा प्यार और दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे स्टूडियो भी से हम लोग जा रहे घर की ओर, चूँकि काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुका है, हम लोग दिन में ही आए थे, तो चलो फिर यहाँ चलते हम लोग घर की ओर।